Hey friends, this is your host मनुराज and you are watching Blackstone Manu. Friends, today we are here to explore पटना का NIT घाट. NIT घाट के बारे में हम आपको कुछ बात बता देते हैं. सबसे पहले ये 6 किलोमीटर का लगभग 300 करोड़ की लागत से बना हुआ और इसके कई नाम हैं जैसे कि महात्मा गांधी घाट या फिर NIT घाट और भी कह सकते हैं बहुत कुछ. अब बताते हैं आपको महात्मा गांधी घाट इसका नाम कैसे पड़ा. जैसा कि नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा महात्मा गांधी ये भारत के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर हैं और इन्हीं के नाम पर ये घाट को रखा गया है. फ्रेंड्स इसके बारे में हम और बताते हैं. ये जो गंगा रिवर फ्रंट है भारत का सबसे बड़ा गंगा रिवर फ्रंट है और ये तकरीबन 20 घाटों को मिला के बनाया गया है और इसकी लंबाई 6 किलोमीटर की है. और यहाँ पर आप जब साइड में देख सकते हैं जो ओवरब्रिज टाइप का दिख रहा है ये मरीन ड्राइव है और ये लगभग बनने को तैयार ही होने वाला है. यदि आप पटना के होंगे तो आपको इस जगह के बारे में ज़रूर पता होगा. ये फ़ोटोशूट के लिए फेमस है, गंगा स्नान के लिए फेमस है और भी रिलैक्स करने के लिए फेमस है. यदि आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो यहाँ पर आके चिल कर सकते हैं. अभी तो गर्मी का दिन है, अगर आप इवनिंग में आते हैं तो बहुत सही रहता है इस मौसम में और मॉर्निंग टाइम भी बहुत अच्छा होता है. वीकेंड्स पर लोग यहाँ पर अपना छुट्टियाँ बिताने आते हैं. यदि आप आफ्टरनून में आएँ तो मेरी तरह ये सनग्लास ज़रूर ले लें और 1 बोतल वाटर बोतल इज़ वेरी कंपल्सरी. तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अब नीचे चलेंगे और थोड़ा तो फ्रेंड्स सुपर एक्सेसिव धूप होने की वजह से हम लोग थोड़ा ये जो पाथ है उसके नीचे आ गए रिलैक्स करने के लिए. आप सामने देख सकते हैं गंगा रिवर है, उसमें बोट चल रहा है. खा देते हैं दोस्तों, देखिए तो सामने आप लोग देख सकते हैं बोट चल रहा है, गंगा रिवर है. इस जगह पे हम लोग बताने वाले आपको कि यहाँ पे हम कुछ अलग करेंगे तो इसीलिए हम आपको कुछ जंप रोप करके भी दिखाएंगे. रोप से रोप मतलब समझते हैं रस्सी, रस्सी आपको कैसा है वो दिखाते हैं आपको. फ्रेंड्स ये जो आप रोप देख रहे हैं यही रोप से आप अभी हम लोग कुछ करेंगे रोपिंग जंप रोप वगैरह. ऐसे नॉर्मल स्किपिंग तो होता ही है, उसमें हम लोग कुछ वेरिएशन भी ट्राई करेंगे. हालांकि ज़्यादा तो मुझे नहीं आता पर जितना आता है वो मैं करके आपको दिखाऊंगा. और यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करने के बाद ऊपर चलेंगे, रोप करेंगे और फिर कुछ नाश्ता भी करेंगे. हालांकि यहाँ पर जो फेमस रेस्टोरेंट था वो बंद हो चुका है. तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को हमारा जंप रोप अच्छा लगा होगा. यदि अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. आप जो ये देख रहे हैं गुंबदनुमा टाइप का छतरी टाइप का लगा हुआ है ये बैठने के लिए बनाया गया है. काफ़ी यहाँ से गंगा नदी का नज़ारा काफ़ी सुंदर लगता है. और बात करते हैं बरसात के मौसम में तो उस वक्त गंगा नदी का पारा ऊपर तक चढ़ जाता है और यहाँ जो बैठने वाला सीट आप लोग को दिख रहा है वहाँ तक आ जाता है. ये मीटर देख रहे हैं ये पानी का लेवल नापने के लिए होता है. और ये साइड में आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये NCC नेवी का हेड क्वार्टर है. तो यदि आपका इंटरेस्ट है नेवी में जाने का तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं. और यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा है. और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आने वाला है जो कि हम लोग गंगा नदी के उस पार जा कर के शूट करेंगे. काफ़ी बेहतरीन नज़ारा उधर से भी लगता है फ्रेंड्स. तो हमारे साथ बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें. तो फ्रेंड्स हम लोग बाहर आ चुका है. पीछे आप लोग देख रहे हैं मुकेश निमकी खरीद रहा है. यहाँ पर हम लोग निमकी खाने के बाद इस ब्लॉग को एंड कर देंगे. और जाते जाते हम आप लोग को बताते हैं कि ये सारा ब्लॉग हमने निकॉन 1300D के कैमरा से शूट किया है और ये हमारे एक भाई का है जिन्होंने हमारे इस वीडियो को पावर्ड किया है. तो यदि आपको कैमरा रेंट पर चाहिए होगा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी या फिर फोटोशूट के लिए तो आप बेझिझक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है या कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा. तो फिलहाल हम लोग पहले निमकी का लुत्फ उठाते हैं. हेलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में. बहुत मजा आया आज.